जो भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये सॉर्ट आउट नहीं होगा वीर। क्या हो गया जोई? तुम मुझे तंग करने लगे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म लव आजकल के पूरे चार दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों कि फिल्म का बजट कितना था और फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस से कितने करोड़ की कमाई की, और क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या हो चुकी है फ्लॉप। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका नाम है लव आजकल, जो कि सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण की 2009 में आई फिल्म लव आजकल का सीक्वल है। बताना चाहूंगा दोस्तों, इस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है कार्तिक आर्यन, सारा अली खान, और साथ ही साथ इस फिल्म में कैमियो देखने को मिल रहा है बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर रणदीप हुडा का। दोस्तों, फिल्म का बजट लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए के बीच में था और इस फिल्म को इंडिया में 2500 से भी ज़्यादा स्क्रीन में रिलीज किया था। फिल्म का रिलीज होने के पहले काफ़ी अच्छा बस बना हुआ था, जिससे लग रहा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही अपने पहले दिन भी अच्छी कमाई करेगी और फिल्म बाद में शायद कार्तिक आर्यन के करियर की एक 100 करोड़ी फिल्म बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, जिस तरह से फिल्म से उम्मीदें थी, फिल्म बिल्कुल वैसी नहीं बन पाई, जिसी के कारण फिल्म के जो कलेक्शन है वो काफ़ी निराशाजनक रहे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, फिल्म जहां वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज हुई थी तो सबको लग रहा था कि फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 16 से 17 करोड़ रहेगा, लेकिन दोस्तों फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन निराश करता हुआ रहा और फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 12 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की। लेकिन दोस्तों ठीक है, पहले दिन फिल्म के कलेक्शन कम आए, सबको लग रहा था कि दूसरे दिन था सैटरडे यानी कि हाफ हॉलीडे, तो ये फिल्म के कलेक्शन दूसरे दिन तो जरूर जंप मारेंगे। लेकिन दोस्तों, फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन बढ़ना तो दूर, उल्टा कम हो गए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने दूसरे दिन सिर्फ 8 करोड़ की कमाई की, जबकि इस फिल्म को कायदे से दूसरे दिन 12 से 14 करोड़ जरूर कमाने थे। लेकिन दोस्तों, तीसरे दिन पे सबकी नजरें टिक चुकी थी कि भैया तीसरे दिन तो है संडे यानी कि फुल हॉलीडे, और हॉलीडे होने की वजह से यह फिल्म तीसरे दिन काफी ताबड़तोड़ कमाई करेगी। क्योंकि दोस्तों, बॉलीवुड में जितने भी फिल्में रिलीज होती है ना, उनके पहले दिन के दूसरे दिन के कलेक्शन से हमेशा ज्यादा कलेक्शन तीसरे दिन रहता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे लव आजकल 2 के साथ में काफी खराब काम हुआ, क्योंकि फिल्म के जो तीसरे दिन के कलेक्शन थे वो पहले दिन से कम तो थे लेकिन दूसरे दिन से भी कम रहे। जी हां दोस्तों, फिल्म ने तीसरे दिन यानी संडे इंडिया से नेट कलेक्शन किया सिर्फ 6 करोड़ 50 लाख रुपए का, जो कि इस साल का सबसे कम कलेक्शन था संडे के दिन। लेकिन दोस्तों, बात की जाए इस फिल्म के चौथे दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों ये फिल्म चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है, जिसकी दो वजह है। पहली वजह तो ये कि फिल्म को खराब रिव्यूज मिले, और दूसरी वजह दोस्तों ये कि सोमवार से वर्किंग डे रहता है और फिल्मों के टिकट रेट ड्रॉप हो जाते हैं, तो सभी फिल्में चौथे दिन यानी मंडे से कलेक्शन कम करती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे लव आजकल 2 के जो मंडे के कलेक्शन है वो इतने ज़्यादा खराब है जितने शायद उम्मीद भी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से लव आजकल 2 फिल्म अपने चौथे दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 2 करोड़ रुपये। इसी के साथ दोस्तों, फिल्म का शुरुआती चार दिनों में टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन हो चुका है 29 करोड़ यानी कि 29 करोड़ रुपए, वही इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 40 करोड़ यानी कि 40 करोड़ रुपए। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन की, तो इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि इंडिया के बाहर से टोटल ग्रोस कलेक्शन किया है लगभग 9 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों, लव आजकल 2 फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन होता है चार दिनों में वो हो चुका है 49 करोड़ यानी कि 49 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है बुरी तरह फ्लॉप। वैसे दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।